Musical Sharjeel. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपने मोबाइल से जो कि आपके डेटा होती है उसको आप लोगों ने किस तरह सिक्योर कर देने हैं। दोस्तों, आप लोग ये भी करते हैं कि जब आप लोग मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आप लोग उस मोबाइल को बेचते हैं, यानी किसी शॉप वगैरह पे या किसी और पे, या जो गांव में एक शख्स होता है उस पे आप लोग बेचते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप लोग उस मोबाइल को रिस्टोर भी करते हैं, यानी कि फॉर्मेट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस मोबाइल से वो डेटा नहीं डिलीट होती। तो आप लोगों ने उस डेटा को किस तरह मालूम कर देना है कि ये हमारे मोबाइल में मौजूद है और हम इसको इस तरह डिलीट कर दें, यानी कि आपके जो पिक्चर, वीडियोज़ जो भी होते हैं, कंटेक्ट्स, इसके जो और भी बहुत सारे जो होते हैं, वो उस डेटा को आप लोगों ने किस तरह मालूम कर देना है कि ये कहाँ पर होती है इस मोबाइल में और कहाँ से आप लोगों ने डिलीट कर देना है। तो आज के मैं आप लोगों को वो तरीक़ाकार बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों को मैं जो ट्रिक बताता हूँ, आप लोग अपने मोबाइल पे जो ये कोड ट्रिक अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह आपकी डेटा बिल्कुल ही सिक्योर रह जाएगी। तो दोस्तों, इसके जब आप लोग मोबाइल फॉर्मेट करोगे, यानी कि जो भी स्टोर करोगे, तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना होगा। जब आप लोग फाइल मैनेजर में जाओगे तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को इंटरनल स्टोरेज पर सिंपल क्लिक कर देना होगा। अब आप लोग इस इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करोगे दोस्तों, इसमें बहुत सारे फोल्डर आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग को गैलरी में और वो वीडियो प्लेयर जो भी होते हैं उस पे आप लोग को डेटा नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर फोल्डर में मौजूद होती है। अब वो फोल्डर क्या है मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ दोस्तों। अब असल में वो फोल्डर है ये वाला एंड्रॉयड, ये बहुत ही जासूस फोल्डर है, ये आपकी सारे डेटा लीक भी कर सकती है ये फोल्डर। तो उससे बहुत ही जासूस फोल्डर है। तो मैं आपको अभी इसका जो ट्रिक है वो बता देता हूँ, आप लोगों ने किस तरह अपनी गैलरी के जो सारे डेटा होते हैं वो किस तरह आप लोगों ने डिलीट कर देने हैं। तो सिंपल यहाँ पर जो डेटा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये वाला फोल्डर, इस पर सिंपल क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फोल्डर नज़र आ रहे होंगे, ये सारे एप्लीकेशन के जो फोल्डर है वो यहाँ पर डेटा मौजूद है। अब आप लोगों को क्या काम कर देना होगा, यहाँ पर आप लोगों को एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा गैलरी काम डॉट एंड्रॉयड डॉट गैलरी 3D, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे। दोस्तों, ये वही फोल्डर है जो आप लोग गैलरी से जो भी गैलरी में से होता है ये वहाँ पर भी ये यहाँ पर ऐड होते हैं। तो आप लोग अगर गैलरी से वो डेटा डिलीट करते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर मौजूद होती है, तो सिंपल यहाँ पर कैच पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते दोस्तों, मैंने अभी इसको डिलीट किया हुआ है, लेकिन आपके पास होगा GB में भी होगा, MB में भी होगा। मेरे पास अभी 2.12 MB है, मैंने इसको कल डिलीट किया था लेकिन आज दोबारा इसमें ऐड हुई है। अब ये यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ऐप नज़र आ रहा है, ये अगर प्ले स्टोर में एक ऐप मिलती है उसका नाम है ZRChiva। तो जब आप लोग जब दूसरा बंदा कोई उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल में, तो वो इस डेटा को आसानी से देख सकता है कि इसमें क्या पिक्चर अवेलेबल है, कौन सी वीडियो, तो सारी और जो फोटो होती है वो यहाँ पर ऐड होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसको प्रेस कर देना होगा और यहाँ पर इसको डिलीट कर देना होगा। अब आप लोग इसको डिलीट करोगे दोस्तों, तो ये इस डेटा फोल्डर से भी डिलीट हो गया और आपकी गैलरी से भी, वो तो आप लोगों ने पहले से डिलीट किया होगा गैलरी से, तो इस डेटा फोल्डर से भी आप लोग डिलीट करें तो इंशाल्लाह आपकी जो गैलरी में जो भी डेटा होगा वो 100% रिमूव हो जाएगा आपके मोबाइल से। तो जो ट्रिक मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल में इसको फोल्डर पर ज़रूर अप्लाई करें और आप लोग भी ये फोल्डर डिलीट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।